हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई टू चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके डिफरेंट डांस फॉर्म से संबंधित है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बस करना आपको एक छोटा सा काम है कि आप तुरंत हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को हिट करिए ताकि आप दूसरों से एक कदम आगे और अपडेटेड होकर चलें। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि दशहरा उत्सव के दौरान किया जाने वाला वीर गासे नृत्य राज्य के लोक नृत्यों में से एक विशेष स्थान रखता है। वीर गासे नृत्य कहाँ का है? कर्नाटक का है, असम का है, उड़ीसा का है या सिक्किम का है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये डांस फॉर्म कर्नाटक का, जो कि दशहरा उत्सव पे किया जाता है। पोवाड़ा नृत्य राज्य की एक प्रदर्शन कला है। कौन से राज्य की? गुजरात की, महाराष्ट्र की, राजस्थान की या केरल की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र की एक राज्य कला है। राठवा निघेर गुजरात की राठवा जनजाति द्वारा के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। किस अवसर पर किया जाता है? कौन से त्योहारों पे? जन्माष्टमी पे, होली पर, मकर संक्रांति पर या दशहरा पर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा होली पे परफॉर्म किया जाता है राठवा निघेर। रतवई भारत की जनजातियों से जुड़ी एक नृत्य शैली है। मेवाती, खासी, जटापू या भील कौन सी जनजाति से संबंधित है? तो ये मेवातू जनजाति से संबंधित है रतवई डांस फॉर्म। रऊप और हिकत के नृत्य रूप हैं किसके हैं? उड़ीसा के, जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं, मणिपुर में या सिक्किम में? कहाँ पे परफॉर्म किए जाते हैं? इसका सही उत्तर जाएगा जम्मू कश्मीर में रऊप और हिकत नामक नृत्य परफॉर्म किए जाते हैं। कोलकाली किस राज्य के पारंपरिक लोक नृत्यों में से एक है? आंध्र प्रदेश में है, नागालैंड में है, केरल में है या अरुणाचल प्रदेश में है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा केरल में कोलकाली पारंपरिक लोक नृत्यों में से एक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भरतनाट्यम नृत्य शैली से संबंधित है? थिलाना, मंगलाचरण, थरिझाम या बटु नृत्य? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा थिलाना जो है वो भरतनाट्यम नृत्य शैली से संबंधित है। धंगारी गाजा एक नृत्य शैली है जो मुख्यतः संबंधित है, किससे संबंधित है? उत्तर प्रदेश से, झारखंड से, महाराष्ट्र से या छत्तीसगढ़ से? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा कि ये महाराष्ट्र से संबंधित नृत्य है। गंभीरा, ढाली और जात्रा किस राज्य से प्रसिद्ध नृत्य हैं? पंजाब के हैं, पश्चिम बंगाल के हैं, तमिलनाडु के हैं या उत्तर प्रदेश के हैं? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा कि ये पश्चिम बंगाल के प्रसिद्ध नृत्य हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? कच्ची घोड़ी, कालबेलिया, कठपुतली या घूमर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा घूमर नृत्य जो है कहाँ से संबंधित है? वो राजस्थान का लोक नृत्य है। तो आपके सारे के आंसर यहाँ पे लास्ट में दिए हुए हैं, आप इससे भी अपने आंसर्स को मैच कर सकते हैं प्रैक्टिस करते टाइम। और आज के हमारे वीडियो यहीं पे समाप्त होते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें, अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है UCSC यानी कि अनअकैडमी सिविल सर्विस चैंपियनशिप, जिसमें आप 40 करोड़ रुपए तक के प्राइज जीत सकते हैं। इसमें आपको करना क्या है, इसके लिए आपको इनरोल करना है। इनरोल करने के लिए आपको SR अड्डा कूपन कोड यूज करना होगा। इसके लिए आप अनअकैडमी की ऑफिशियल साइट पर चले जाएं, वहां पर जाकर आप इसके लिए इनरोल कर सकते हैं। इसमें आपसे 50 MCQ प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसको सॉल्व करने के लिए आपको 60 मिनट का समय दिया जाएगा और ये आपका 13 नवंबर सुबह 11 बजे से होगा। तो आप इसके लिए जल्दी से इनरोल कर लें। तो अब बात करते हैं कि आपको अनअकैडमी क्यों ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि अनअकैडमी आपको देता है वाइडेस्ट चॉइस ऑफ एजुकेटर्स, यानी कि आप अपने चॉइस के अनुसार किसी भी टीचर से पढ़ सकते हैं। आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है चेंज कोर्स में, यानी कि कोर्स चेंज करने में आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। आप अपने लेक्चर्स को कितनी भी बार देख सकते हैं, यानी कि आपको अनलिमिटेड व्यूज दिए जाते हैं। आपके डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस रहते हैं, इसमें आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं टीचर्स से। और आपको इसमें प्रिंटेड कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाते हैं, जिनको आप अपने पढ़ सकते हैं। और आपकी इन टू इन प्रिपरेशन कराई जाती है, लाइव मेंटरशिप भी दी जाती है, यानी कि आपको गाइडेंस दिया जाता है कि आप अपनी तैयारी कैसे कर सकते हैं। आपको मेंस के लिए भी तैयार किया जाता है, इसमें आपकी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है, ये आपके डेली बेसिस पे होता है। तो ये सारे बेनिफिट आपको अनअकैडमी ज्वाइन करने पर ही मिलते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें, अगर आपके अनअकैडमी से कोई भी डाउट है, यानी सब क्वेश्चन से रिलेटेड या फिर कोर्स रिलेटेड, तो आप इस बारकोड को स्कैन करके आप अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। इसको स्कैन करेंगे तो आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा, वहां पर आपको अपनी डिटेल्स भरनी है और आपको अपना डाउट भरना है। जो भी आपका डाउट है वो आपको लिख देना है, इस तरह से आप अपने डाउट को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये थी इसकी जानकारी। अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।